गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू HNE, वेलकम टू HNE। अब आप समझ गए होगे HNE के क्या मतलब होता है, हार्ट एलर नर्सिंग एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। अपन कंटिन्यू लेते हैं अपना क्लास, जो लीवर और पेनक्रियाज के बारे में कल अपन ने डिस्कस किया था। लीवर और पेनक्रियाज की मेन जो बातें थी वो कल डिस्कस की थी अपन ने। आज अपन लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का 9 पार्ट, जो कि है लीवर। लीवर का आज थोड़ा हिस्टोलॉजी देख लेते हैं अपन, काट पीट के देख लेते हैं लीवर के अंदर है क्या। डॉक्टर बोलते हैं लीवर को बचा के रखो, लेकिन वास्तव में वाकई में लीवर बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल अपनी बॉडी में जो है करता है, तो वास्तव में लीवर को बचा के रखना चाहिए। तो खान पान अपना शुद्ध होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेजिटेरियन की तरफ अपना ध्यान रहना चाहिए। चलो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। उससे पहले कल वाला थोड़ा मैं वापस थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ, रिवर्स गियर लगाते वापस थोड़ा सा कल वाला क्लासेस जो है उससे क्या है थोड़ा अपन को आसानी रहेगी आगे। कल जैसे कि बताया था मैंने लीवर एंड पेनक्रियास, राइट। क्या है लीवर और पेनक्रियास, चलो पहले लीवर के बारे में समझते हैं। कल बताया था जैसे कि सबसे पहले पेनक्रियास के बारे में समझते हैं अपन, लीवर के बारे में, क्योंकि पेनक्रियास थोड़ा छोटा पोर्शन होता है। पेनक्रियास के बारे में समझते हैं। पेनक्रियास के बारे में जैसे कि कल बताया था कि पेनक्रियास क्या है, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है ना, हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है, मीन्स एक्सोक्राइन फंक्शन भी ये करती है और एंडोक्राइन फंक्शन भी रोल करती है। एक्सोक्राइन जो फंक्शन होता है जो कि डक्ट के साथ में होता है उसको क्या कहते हैं अपन, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो एक्सोक्राइन के जो फंक्शन होते हैं पेनक्रियास के, एक्सोक्राइन मतलब जो भी फंक्शन हो गए वो क्या करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेंगे, जैसे कि लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, प्रोटीएज हो गया। तो ये सारे चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और ये उसके साथ में लिपिड्स हो गए, तो इस तरीके के जो ये है उसमें ये हेल्प करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में पेनक्रियास के जो काम हो गया। उसके बाद में एक्सोक्राइन एंडोक्राइन जो वर्क हो गया वो हार्मोन जैसे सीक्रेट करते हैं, है ना, हार्मोन जैसे सीक्रेट करते हैं जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, डेल्टा हो गया और लास्ट PPCL हो गए। अल्फा से जैसे ग्लूकोकॉन हो गया, बीटा से जैसे इंसुलिन हो गया, डेल्टा से जैसे सोमेटोस्टेटिन हो गया एंड PPCL से जैसे पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, है ना। इस तरीके के जो हार्मोन हो गए, जो बॉडी में हार्मोन्स जो ग्लूकोज, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन, ये सारे को एक तरह से बॉडी बैलेंस और रेगुलेट में वर्क करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड पेनक्रियाज में 99% इसका वर्क रहता है, जबकि एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है उसका ओनली 1% जो वर्क रहता है। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह अगर बात करें पेनक्रियाज में, तो ये पेनक्रियाज के कौन से पोर्शन में होती है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ, तो ये 1% होती है और ये टेल पोर्शन, जो पेनक्रियाज का जो टेल पोर्शन होता है उसमें 1% जो ये वर्क रहता है इसका, एंडोक्राइन का, ठीक, जो कि आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं अपन, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस उसको प्रेजेंट कह सकते हैं। उसके बाद में अपन ने जैसे कि पढ़ा था इसका जो है, पेनक्रियाटिक से 2 डक्ट निकलती है, कल जैसे कि अपन ने पढ़ा था पेनक्रियाटिक से 2 डक्ट निकलती है, एक तो मेन डक्ट जिसको अपन डक्ट ऑफ विर्सन कहते हैं, है ना, जो मेन डक्ट हो गई, एक एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट हो गई उसको कहेंगे अपन डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, राइट। यहाँ तक अपना कंप्लीट था। उसके बाद में अपन ने मेन जो चीज़ें इसमें पढ़ी थी लीवर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था अपन ने, लीवर के बारे में भी थोड़ा पढ़ा था अपन ने कि लीवर क्या है, लीवर के बारे में क्या पढ़ा था अपन ने, लीवर एक डाइजेस्टिव सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है। इसमें भी लीवर का मतलब बाइल का प्रोडक्शन कहाँ होता है, बाइल का जो प्रोडक्शन कहाँ होता है, लीवर में, है ना। तो जो हिपेटोसाइट्स जो सेल्स होती है, राइट,
जो बाइल कैनेकुलस वगैरह कुलेकुलस वगैरह ये होती है, इसमें बाइल का प्रोडक्शन होता है और ये फिर हिपेटिक डक्ट से बाइल डक्ट से जो है वो गाल ब्लैडर में स्टोर होने के लिए जाती है, स्टोर होने के लिए जाती है प्लस कंसनट्रेट होने के लिए जाती है। ये 200 गुना तक बाइल को कंसनट्रेट कर देता है गाल ब्लैडर। फिर सीसी के एक हार्मोन बताया था ये भी कोलेसिस्टोकाइनिन, जो कि गाल ब्लैडर को कॉन्स्टिट करता है और सिस्टिक डक्ट से पुनः फिर इंटेस्टाइन जो ड्यूडेनम वाले पार्ट में वहाँ पे ये एंटर हो जाती है, जो अपना ये जूस वगैरह है, जो गाल ब्लैडर बाइल बाइल ये जूस वगैरह होता है ये सीक्रेट छोड़ देती है ड्यूडेनम वाले पोर्शन में। यहाँ तक बताया था। अब गाल ब्लैडर जो है वो क्यों ज़रूरी है, अपनी बॉडी ह्यूमन बॉडी में गाल ब्लैडर की प्रेजेंस क्यों ज़रूरी है, क्यों रहना चाहिए, क्योंकि बाइल को कंसनट्रेट करने के लिए जो वाटर कंसनट्रेट किसको कहते हैं, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन कर दे, और गाढ़ापन जो कंसनट्रेट बाइल हाईली कंसनट्रेट बाइल रखे उसको कहेंगे अपन कंसनट्रेशन, हाईली कंसनट्रेशन वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ तक तो अपन ने कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद में मैंने एक आपको पता है तो बाइलरी ट्री बताया था मैंने, बाइलरी ट्री या बाइलरी सिस्टम कह दो। बिलियरी ट्री से क्या मतलब है, ये जैसे कि मैंने बताया था कि लीवर, लीवर में दो लोब लोब होते हैं, लीवर में दो लोब होते हैं साहब, यहाँ तक बताया था लीवर में दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब हो गया वो बड़ा होता है साहब कंपैरिजन टू लेफ्ट लोब, लेफ्ट लोब है उससे 6 गुना बड़ा, कितना गुना बड़ा, 6 गुना बड़ा कौन सा होता है साहब, राइट लोब, यहाँ तक बताया था। और बीच में जो है फैल्सिफॉरम लिगामेंट बताया था, जिसका क्या नाम है फैल्सिफॉरम लिगामेंट ठीक है, ये बताया था, जो कि राइट और लेफ्ट लोब है उसको डिवाइड करता है। उसके बाद में साहब जैसे कि बताए थे कि राइट लोब में भी वापस दो लोब होते हैं, एक होता है कॉर्डेड और एक होता है कॉन्ड्रेट लोब। कॉर्डेड लोब, कॉर्डेड लोब और क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट लोब ये आप साहब जैसा कि हमने बताया था, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया था। अब चलते अपन आगे बिलियरी ट्री की ओर। तो बिलियरी ट्री में क्या होता है सर, राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ठीक, राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, यहाँ तक ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते थे, कॉमन हिपेटिक डक्ट, जिसको कहते हैं अपन कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये आगे जाके सब क्या बनाती है, गाल ब्लैडर की ओर, गाल ब्लैडर वापस आती है तो इसको क्या कहते हैं अपन सिस्टिक डक्ट। गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकलेगी उसको कहेंगे सिस्टिक डक्ट। गाल ब्लैडर से बाइल बाहर आ जाएगा, बाहर आते ही इधर हो गया सब पैनक्रियाटिक डक्ट, विरसंग ऑफ डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट ना, ये दोनों मिल जाएगी ड्यूडेनम वाले पोर्शन में और ये ड्यूडेनम वाला पोर्शन हो गया। अब इसको क्या कहे अपन, विरसंग डक्ट, जो कि मेन पैनक्रियाटिक डक्ट कहते थे अपन, WIRSUNG विरसंग डक्ट, राइट। ये जहाँ पे पैनक्रियाटिक जो विरसंग डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, इसको क्या कहते हैं अपन, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक। ये जहाँ कॉमन बाइल डक्ट और विरसंग डक्ट जहाँ मिलती थी उस जंक्शन को क्या कहते हैं अपन, हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, राइट, या एम्पुला ऑफ, एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। और वहाँ पे एक इंस्पेक्टर होता है साहब, उस इंस्पेक्टर को क्या कहते हैं, तो इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडन, इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडन, BOYDEN, इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडन, या कह दो साहब इसको इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, ODI। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया था। अब चलते हैं अपन आगे, अब चलते हैं अपन आगे, आगे साहब आज अपना टॉपिक कंटिन्यू रहने वाला हिस्टोलॉजी, लीवर की हिस्टोलॉजी पढ़ने वाला है साहब, लीवर की हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं आज, थोड़ा समझ में आ जाएगा तो आसानी रहेगी अपन को।
उसमें क्या है, कई बार ग्लिसन कैप्सूल्स क्या होते हैं, कूपर सेल क्या होती है, बाइल कैनाकुलिस क्या होती है और हिपेटिक प्लेट क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन को एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, हल्का हल्का डिस्कस कर लेते हैं ताकि अपन को आगे आसानी रहेगी, कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाएंगे। चलो सबसे पहले लीवर, ये मैंने कुछ पॉइंट्स की पॉइंट्स लिखे हैं, इसको अपन आज हिस्टोलॉजी के साथ में पढ़ेंगे तो इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ मेंशन कर दिया इसको। सबसे पहले जैसे सब लीवर पता है, जैसे कि आपको लीवर बड़ा बड़ा 1.5 केजी का होता है इन मैन। लीवर में क्या होते हैं साहब, ऐसे याद रखना अपन को, लीवर में क्या होते हैं साहब, लोब, राइट लोब, लेफ्ट लोब, राइट लोब में क्या हो गए साहब, लोब्यूल्स, याद रखना है लोब में क्या हो गए साहब, लोब्यूल्स। जैसे आर्टरी में आर्ट्रियोल्स, वेन्स में वेन्योल्स, उसी तरह लोब में क्या हो गए साहब, लोब्यूल्स। ये लोब्यूल्स का अगर एक पार्ट ले, ठीक है, तो लोब्यूल्स जैसे हिपेटोसाइट का ये ऐसे एक मैंने पार्ट बना दिया जो कि यहाँ बनाया हुआ है, तो इसी तरह लोब्यूल्स जो होते हैं साहब एक हिपेटिक प्लेट बनाते हैं। लोब्यूल्स क्या है, अच्छा सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि स्ट्रक्चुअल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चुअल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चुअल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, यूनिट ऑफ लीवर क्या कहलाएगा साहब, लोब्यूल्स, हिपेटिक लोब्यूल्स, याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्ट्रक्चुअल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर क्या है साहब, तो आप अपन क्या लिखेंगे, हिपेटिक लोब्यूल्स, मतलब लोब्यूल्स जो है वो सबसे छोटी इकाई है किसकी, लीवर की। जैसे किडनी में नेफ्रॉन, जैसे किडनी में नेफ्रॉन होगा उसी तरह लीवर में क्या है साहब, लोब्यूल्स, याद रहेगा। चलो ठीक है, अब अगर इसका अपन ये लोब्यूल्स को अगर बनाए, इस तरीके का होता है ना, ये हिपेटिक प्लेट है, ये क्या है साहब, हिपेटोसाइट प्लेट, ये क्या है साहब, हिपेटिक प्लेट है ना, हिपेटोसाइट के बहुत सारे हिपेटोसाइट से बन के बनी होती है, इसको कहेंगे अपन हिपेटिक, इस तरीके के, इस तरीके की क्या बनती है, ये हिपेटिक प्लेट है साहब, ये हिपेटिक प्लेट है जो बहुत सारे लोब्यूल होते हैं। अच्छा लोब्यूल और लीवर जो ग्लिसन कैप्सूल किसके कहते हैं, ग्लिसन जो कैप्सूल्स है वो किसको कहते हैं अपन, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन लोब, लोब है ना, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, लेफ्ट लोब हमेशा छोटा होता है, उससे 6 गुना बड़ा राइट लोब होता है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में अपन लेते हैं लोब्यूल्स, लोब के बाद में लोब जो होता है, लोब के अगर अंदर देखूं मैं, लोब के अंदर देखूं मैं राइट लोब, राइट एंड लेफ्ट लोब, लोब एक छोटा सा अगर पार्ट्स में लूं तो ये क्या होगा साहब, लोब्यूल्स, एक छोटा सा टुकड़ा उठा के मैं यहाँ रख दूं तो ये क्या कहलाएगा, लोब्यूल्स। लोब्यूल्स क्या है साहब, ये हिपेटोसाइट जो छोटी छोटी होती है उसका हिपेटिक जो प्लेट होती है, ये हिपेटिक प्लेट है ना, हिपेटिक प्लेट लोब्यूल्स के अंदर, जी इस तरीके की हिपेटिक प्लेट है। हिपेटिक प्लेट जो होती है साहब, हिपेटिक प्लेट लोब्यूल बनाती है ना, लोब्यूल्स बनाती है। लोब्यूल्स के चारों तरफ क्या होता है साहब, एक लोब अगर मैं ये लोब ले लूँ, लोब के चारों तरफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की फाइब्रिक्स मतलब कवरिंग होती है उसको, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल की तरह बनाता है, ये पूरा कैप्सूल बंद कैप्सूल की तरह बनाता है, इसलिए कहते हैं अपन ग्लिसन्स कैप्सूल, इसको क्या कहते हैं अपन, जो कि एक साइंटिस्ट पे है, ग्लिसन्स कैप्सूल, याद रहेगा आपको, ग्लिसन्स कैप्सूल प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो लीवर में, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीवर में, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के होती है और लोब्यूल्स के चारों तरफ जो होते हैं उसको कहते हैं अपन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का होता है उसको कहते हैं ग्लिसन्स
कैप्सूल। अच्छा, ये जो पोर्टल ट्राइड ब्रांचेज है उसके चारों तरफ भी ये ग्लिसन्स कैप्सूल की कवरिंग होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, राइट। उसके बाद में अपन हिपेटिक प्लेट ये जैसे बना दी, अब चलते अपन ग्लिसन्स कैप्सूल हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट क्या है सर? हिपेटोसाइट इज ए, ये क्या है सर? लीवर की सेल्स है। हिपेटोसाइट क्या है? हिपेटिक, जैसे हिपेटो, हिपेटो से ही पता चला, हिपेटो यानी लीवर वाली साइट। तो हिपेटोसाइट क्या है साहब, याद रखना अपन को, हिपेटोसाइट क्या है साहब? ये लीवर की 80% जो है हिपेटोसाइट बनके मांस बनाती है, पूरे लीवर की मांस है ना, मांस 80%, मतलब 80% हिपेटोसाइट मिलके पूरा का लीवर का मांस बनाती हैं, ये याद रखना अपन को, है ना। लीवर की सेल्स को क्या कहते हैं अपन? हिपेटोसाइट। अच्छा, ग्लिसन्स कैप्सूल वही समझ में आ गया आपको, लोब्यूल्स जो होते हैं उसके चारों तरफ जो कवरिंग होती है। उसके बाद में सिनोसॉइड, देखो अपन यहाँ चलते हैं, डायग्राम में चलते हैं अपन। सिनोसॉइड, सिनोसॉइड क्या है साहब? सिनोसॉइड जो होते हैं जहाँ ब्लड का अकुमुलेशन होता है, जहाँ ब्लड का अकुमुलेशन हो गया, जहाँ ब्लड का ब्लड अकुमुलेशन है ना, ब्लड अकुमुलेशन हो गया, अकुमुलेशन मतलब एक पैथवे प्लेटफॉर्म देती है ये, उसको क्या कहेंगे अपन? उसको कहेंगे साहब सिनोसॉइड, हिपेटिक सिनोसॉइड। हिपेटिक सिनोसॉइड से मतलब मीनिंग ये है, सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जहाँ पे बिटवीन सेंट्रल वेन्यूल्स, ये हटा देता हूँ, सेंट्रल वेन्यूल्स, अब देखो सेंट्रल वेन्यूल्स कहाँ है आप देख लो खुद ही, सेंट्रल वेन्स लिख देता हूँ, चलो सेंट्रल वेन्स और सेंट्रल वेन्स और ये क्या कहते हैं, हिपेटोसाइट है ना। हिपेटोसाइट जो है, हिपेटोसाइट के बीच में जो स्पेस होता है, कैविटी जिसको अपन कैविटी कहते हैं, स्पेस होता है, एक तरह से पैथवे हो गया, उसको क्या कहेंगे अपन? सिनेसोइड, सिनेसोइड। और ये सिनेसोइड क्या करता है साहब? ये सिनेसोइड करता है जहाँ अपना पैथवे हो गया है ना, जहाँ पे सेंट्रल सेंट्रल वेनस और पोर्टल ट्राइड ब्रांचेस के बीच में जो पैथवे हो गया है, जहाँ पे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, ब्लड आना जाना रहेगा ब्लड का, अभी मैं बताऊँगा, पोर्टल ट्राइड ब्रांचेस में बताऊँगा मैं, जहाँ पे पैथवे हो गया उसको कहते हैं अपन हिपेटिक सिनोसॉइड। उसके बाद में चलते हैं साहब बाइल कैनाकुलिस, क्या होता है बाइल कैनाकुलिस, क्या होता है साहब बाइल कैनालिकुलस? बाइल कैनालिकुलस से मीनिंग ये होता है कि हिपेटोसाइट जो होती है, हिपेटोसाइट जहाँ पे बाइल का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे बाइल सिक्रेट करती है, बाइल का प्रोडक्शन होता है, बाइल प्रोडक्शन होने के बाद में हिपेटोसाइट के अंदर बाइल, बाइल का प्रोडक्शन होने के बाद में बाइल डक्ट में बाइल को ट्रांसफर करती है, और बाइल डक्ट से फिर हिपेटिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर जो है उसमें चला जाता है। तो वहाँ से जो प्रोडक्शन होता है बाइल का, वो कहाँ से होता है? बाइल कैनाकुलिस जो स्पेस होता है वहाँ से ये जाता है। उसके बाद में साहब सिनोसॉइड पढ़ा दिया, सिनोसॉइड जो स्पेस हो गया टू हिपेटोसाइट जो है उसके बीच वाले स्पेस को अपन सिनोसॉइड कहते हैं, जहाँ ब्लड का अकुमुलेशन हो जाता है। उसके बाद में कूफर सेल क्या होती है? कूफर सेल क्या होती है? कूफर सेल ये कई बार आया हुआ है एग्जाम, कूफर सेल प्रेजेंट इन, कूफर सेल प्रेजेंट इन, कूफर सेल प्रेजेंट इन, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। कूफर सेल होती है साहब मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस है ना, जहाँ पे डेस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पे मतलब जो हैवी मेटल्स हो गए, जो हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, उनका ये फेगोसाइट्स करती है। तो ये एक तरह से फेगोसाइटोसिस करती है, तो उसको कहते हैं अपन फेगोसाइट्स भी कहते हैं इसको, कूफर सेल्स को, है ना। उसके बाद में अपन लास्ट चलते हैं साहब पोर्टल ट्राइड ब्रांचेस क्या होती है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। पोर्टल ट्राइड ब्रांचेस जो होती है साहब, पोर्टल ट्राइड, ट्राइड से ही मतलब देखो समझ में आ रहा है, ट्राइड मतलब तीन, तीन ब्रांचेज जो होती है उसको कहेंगे अपन पोर्टल ट्राइड ब्रांचेज। इसमें क्या होता है साहब कि जो ये एक लोबुल मैंने बनाया,
एक लोब्यूल के बाद में ये जैसे दूसरा लोब्यूल स्टार्ट हो जाएगा, तो इनके बीच में एक ट्राइड, तीन तीन जो ब्रांचेज होती है, तीन तरह की ब्रांचेज होती है उसमें। जैसे एक तो हो गया हिपेटिक डक्ट, एक हो गई साहब हिपेटिक डक्ट, उसके बाद में दूसरी हो गई हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी, और तीसरी हो गई साहब हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक पोर्टल वेन। ठीक सर। अब क्या होता है कि जैसे आपको पता है, नहीं वो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार, ये लीवर का जो ब्लड सर्कुलेशन वो बता देता हूँ मैं। लीवर का ब्लड सर्कुलेशन कैसे है साहब? इसमें दो तरह का जो ब्लड सर्कुलेशन वो प्रजेंट होता है। जैसे मैं यूँ बताऊँ आपको, जैसे एक तो स्प्लिन, स्प्लिन से ले लो, एक स्टोमक से ले लो, एक स्मॉल इंटेस्टाइन से ले लो, एक हार्ट से ले लो, है ना। तो ये सारा तरह की जो वेन है, एक एक जो वेन की जो सर्कुलेशन है, सब ब्रांचेज मिलके एक पोर्टल वेन बनाती है जो कि लीवर में जाती है। ये एक पोर्टल वेन बनाती है, स्प्लिन हो गया, स्टोमक हो गया, और ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, हार्ट हो गया। तो इस ये क्या करती है साहब, ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स मल्टी विटामिन विटामिन सबको लेके कहाँ जाती है, डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है इसमें, और ये वेन लेके कहाँ जाती है, लीवर के थ्रू जाती है लीवर में। तो वही लीवर ऐसा भी हिपेटिक पोर्टल वेन जो लीवर के साथ में लोबियस तक जो हिपेटोसाइटिस जो हिपेटोसाइट्स तक पहुँचती है ना, हिपेटिक जो हिपेटिक पोर्टल वेन ब्रांचेज जो है, हिपेटिक वेन जो ब्रांचेज जो है, जो क्या करती है साहब, ये सेंट्रल जो आप यूँ कह दो सीधे सीधे, ये सेंट्रल जो है ना, सेंट्रल वेन्यूस जब पहुंचती है हिपेटोसाइट्स तक, है ना। तो इसको अपन क्या कहेंगे साहब, ये ब्लड को जो न्यूट्रिएंट्स है वो डीऑक्सीजनेट ब्लड है लीवर तक जाएगी, और एक जो होगी वो हिपेटिक जो आर्टरी होगी, है ना, हिपेटिक जो आर्टरी होगी वो भी ऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो डायरेक्ट हार्ट से, जो है लीवर को जाएगी। एक तो ऑक्सीजनेट ब्लड ब्लड लीवर को मिलेगा, एक डीऑक्सीजनेट ब्लड विथ न्यूट्रिएंट्स, है ना, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसके साथ में मिलेगा, उसको कहेंगे अपन हिपेटिक पोर्टल वेन, ये कहेंगे अपन हिपेटिक आर्टरी, और उसके बाद में वापस लीवर को, लीवर से वापस एक आर्टरी बाहर जाती है, बाहर की तरफ सॉरी वेन से जाती है, उसको कहेंगे अपन हिपेटिक वेन, जो कि इंफीरियर वेना कैवा से राइट एट्रियम को सीधा सीधा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ले जाएगी, राइट, ये इसका रहेगा। तो ये लीवर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बताया मैंने थोड़ा सा। तो उसके बाद में इसी तरह अपना रहेगा साहब इसमें हिपेटिक डक्ट, ये क्या करेगी साहब, हिपेटिक डक्ट सुनेसोइड वगैरह ये पैथवे भी रहता है, हिपेटिक डक्ट जैसे मैंने बनाया है ब्लैक में, तो हिपेटिक डक्ट जो होगी, 2 मिनट दरवाज़ा खोल देता हूँ, थोड़ी लाइट चली गई है। जैसे हिपेटिक डक्ट हो गई साहब, तो ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, पोर्टल ट्राइड ब्रांचेज जो पैथवे है, तो ये ब्लैक ब्लैक में जो दिख रही है ये क्या करेगी, सब सेंट्रल वेन्यूस की तरफ, सेंट्रल वेन की तरफ ये बाइल को ले जाएगी, ठीक है ना। उसके साथ में हिपेटिक आर्टरी ब्रांच हो गई रेड कलर में, रेड कलर में क्या करेगी साहब, ये ब्लड को ले जाएगी इस साइड में, लेकिन हिपेटिक पोर्टल वेन जो होगी वो क्या करेगी साहब, इस साइड में सॉरी, हिपेटिक आर्टरी और हिपेटिक पोर्टल वेन तो ले जाएगी सेंट्रल वेनस की तरफ, हिपेटिक आर्टरी और हिपेटिक पोर्टल वेन ले जाएगी सेंट्रल वेनस की तरफ, और जाओ दोनों जाओ पागो, और जो हिपेटिक डक्ट होगी वो बाहर के साइड में सेंट्रल वेन्यूल से बाहर के साइड में जो है बाइल प्रोडक्शन करेगी, और हिपेटिक डक्ट उसके बाद में हिपेटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट की तरफ बाइल को ट्रांसफर करेगी। चलो ये हो गया सब, उसके बाद में या यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉर्ड्स है ना, हिपेटोसाइट्स हो गई, हिपेटोसाइट्स के बीच में रेड रेड कलर की ये कॉर्ड्स दिख रही है, कॉर्ड्स है ना, ऐसे कॉर्ड्स बहुत सारी कॉर्ड्स है इसमें, और ये हिपेटिक
टाइट्स, इसमें तीन तरह की पोर्टल हिपिड पोर्टल टाइट ब्रांचेज जो हो गई वो हो गई।